गुलबर्गा रिंग रोड हागरगा क्रॉस से पीर बंगाली दरगाह के करीब गार्बेज और स्लॉटर हाउस से वेस्ट मटेरियल लाकर फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से यहां कई मोटरसाइकिल्स के एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस इशू पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट दलित सेना यूथ प्रेसिडेंट अशरफ अली ने कॉरपोरेशन के जिम्मेदारों से नाराजगी जाहिर कर इस जगह को क्लीन करने का मुतालिबा किया है। अशरफ अली ने कहा, यहाँ आसपास पीर बंगाली दरगाह, मस्जिद और दीगर कई घर मौजूद हैं। इस गंदगी की वजह से लोगों को यहाँ बेहद परेशानी हो रही है। इससे पहले भी कई बार इस गंदगी को साफ करने के लिए कई कंप्लेंट्स दिए गए, पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ गंदगी लाकर फेंकने वालों को भी चाहिए कि इस तरह लोगों को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं होती। अशरफ अली ने कॉरपोरेशन के जिम्मेदारों को वार्न कर कहा, अगर इस गंदगी को यहाँ से साफ नहीं किया गया तो तमाम गंदगी उठाकर कॉरपोरेशन के सामने फेंक दिया जाएगा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ से जा रहा था पीर बंगाली ग्राउंड के सामने से, थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक एक्सीडेंट हो गया। मैं देखा कौन गिरा है, तो जब वहां पर आकर देखने के बाद मालूम हो रहा है स्मेल आ रही थी भाई, हम दस्ती पकड़ने के चक्कर में गिर गए, एक लेडीज एक जेंट्स गिर गए, इंजरी हो गई उनको। तो ये जो सिटी कारपोरेशन की तरफ से जो काम करते हैं लोग, जो सिटी कारपोरेशन कमिश्नर है, जो सिटी कारपोरेशन कमिश्नर के बाद के जो ऑफिसर्स हैं, उनको शर्म आना यहाँ पर इतनी गंदगी फेंकी जा रही है। रमजान के इस इतने पवित्र महीने में यहाँ पर गंदगी इतनी फेंकी जा रही है, क्या कर रहे हैं आप लोग? सिटी को साफ करने का काम है आप लोगों का, आप लोग सिटी साफ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? ये जो गंदगी फेंकी गई है यहाँ पर, एक से दो दिन में अगर ये क्लियर नहीं करेंगे तो ये गंदगी लेकर मैं सिटी कारपोरेशन के सामने फेंकूंगा। आप लोगों का काम है सिटी को स्वच्छ रखना, आप लोग सिटी को स्वच्छ रखना छोड़कर इतनी गंदगी, ये एक जगह नहीं, उस साइड भी फेंका गया है, उस साइड भी फेंका गया है, जो गलाजत यहाँ पर लाकर फेंक रहे हैं, इनको आप लोगों का काम है इनको साइड बाई साइड कर इनके दुकान से उठाओ वेस्ट जाकर। क्यों वेस्ट इनकी दुकान से नहीं उठा रहे आप लोग? और अगर ऐसा ही यहाँ पर फेंकते रहेंगे, ये बहुत सारे दिनों से चल रहा है, यहाँ पर बीमारियां फैल रही हैं, यहाँ पर एक बाजू दरगाह है, मस्जिद है, यहीं पर हमारे मजहर हुसैन एडवोकेट साहब का घर है, इतनी बदबू आती है, यहाँ के लोगों के इतनी कंप्लेंट है, ये लोग बोलते हैं इतनी गंदगी आती है, आए दिन घर में बीमार होते हैं लोग। तो सिटी कारपोरेशन को मैं दो तीन बार जाकर मिला हूँ, तो वो लोगों का कहना है इलेक्शन में बिजी है। तो एक काम करो, आप लोग इलेक्शन में बिजी हैं तो आप लोग सिटी कारपोरेशन को ताला डालो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का काम करो, और आपके लेबर जो 2002 जो भी लेबर है वो लेबर को भी घर को भेजो, काम करने के लिए मत भेजो उनको, उनको भी घर को भेजो, आप लोग भी इलेक्शन के काम में लग जाओ। अगर एक दो दिन में ये काम नहीं होगा तो हम ये गलाजत सिटी कारपोरेशन के सामने लेकर आकर फेंकेंगे। यहाँ पर देखो, आप देख रहे, दिख रहा है आपको मच्छी का वेस्ट है और कोई गाय का बैल का उसका वेस्ट है, ये जब यहाँ पर फेंका जा रहा है तो आप लोगों का काम है सिटी कारपोरेशन का, ये कहाँ से आ रहा है उसकी इंक्वायरी करना। वो छोड़कर आप गंदगी देखिए, कितने कीड़े उबल रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो सिटी कारपोरेशन हाथ पे हाथ रखकर बैठा है। कारपोरेशन को कमिश्नर को देखना चाहिए ग्राउंड पे उतरकर, ऑफिस में एसी रूम में बैठने से या कारपोरेशन के जो ऑफिसर्स हैं ऑफिस में एसी में बैठने से कुछ नहीं होता, ग्राउंड पर आकर देखो कितनी स्मेल आ रही है यहाँ पर, कितने लोग बीमार हो रहे हैं। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इसके बाद यहाँ पर ये फेंकेंगे तो हम यहाँ से उठाकर सिटी कारपोरेशन के सामने लाकर फेंकेंगे। हमारे ऊपर केस होता है होने दो, हम के ऊपर जो भी एक्शन लेते हैं हम उसको फेस करने के लिए रेडी है, लीगल टीम हमारी रेडी है उसके लिए, फेस करने के लिए। अगर यहाँ पर फेंकेंगे तो हम सिटी कारपोरेशन के सामने फेंकेंगे। सिटी कारपोरेशन कमिश्नर का काम है ये कहाँ से आ रहा, ये कौन फेंक रहे हो उसके ऊपर इंक्वायरी कर उनके ऊपर फाइन डालना। तुम वो सब छोड़कर मामूल पे काम चल रहा है यहाँ पर, बहुत सारे लोग मामूल लेकर यहाँ पर फेंकने दे रहे हैं, दुकान रोड पर चलाने दे रहे हैं। अगर ये दो दिन में नहीं होगा तो हम ये सिटी कारपोरेशन के सामने लाकर फेंकेंगे। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.